हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रुपॉइड के बारे में कि ग्रुपॉइड एक्चुअली में होता क्या है, और यहाँ से हमारा जो मेन चैप्टर है ग्रुप की वो स्टार्ट होता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सा चैप्टर है ये ग्रुपॉइड। तो देखेंगे यार यहाँ में ग्रुपॉइड एक्चुअली होता क्या है। इट्स एक सेट है नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर की कोई भी दो एलिमेंट हम लेते हैं, इट्स ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन, और इसके ऊपर एक नॉट या फिर एक स्टार ले लेते हैं जो इसके ऊपर डिफाइंड है। स्टार एक बाइनरी कंपोजिशन होता है। तो अगर ए स्टार बी भी एन की एन में आ गया, ए स्टार बी भी बिलोंग करता है एन में, तो हम कह सकते हैं कि एन स्टार एक ग्रुपॉइड है। एन स्टार एक ग्रुपॉइड है, तो इसको एक्चुअली ऐसे डिनोट करते हैं यहाँ पर एन स्टार। कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं कहाँ पर एक ग्रुपॉइड होगा और कहाँ पर नहीं। लेट्स से एक ऐसा कॉम्पोजिशन स्टार इज डिफाइंड, ये वाला क्वेश्चन आप देख लो, एन स्टार। ओके, स्टार इज डिफाइंड बाय, डिफाइंड बाय कैसे डिफाइंड है ये, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब ए बी, ए बी कहां पर बिलोंग करता है, ए बी बिलोंग करता है नेचुरल नंबर की सेट एन में। अब देखो, आप बता सकते हैं इसको देखकर कि यहाँ पर ये जो स्टार है, फिर हम कहें कि एन स्टार ये एक ग्रुपॉइड है कि नहीं, हम ये कह सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर एन स्टार हमें दिख रहा है कि ये ग्रुपॉइड है, क्योंकि आप कोई भी दो नंबर ले लो नेचुरल नंबर की सेट से, कोई भी दो नंबर ले लो, एक दो या फिर कोई भी दो नंबर ले लो, अगर हम उसकी एडिशन करेंगे तो जो वैल्यू हमें मिलेगा वो भी नेचुरल नंबर की सेट से ही होगा। यह हमें सबको पता है कि 1 2 ले लिया तो 1 + 2 इक्वल्स टू 3, वो भी नेचुरल नंबर में आ गया। एक बड़ा वाला नंबर 500 700 ले लिया दो नंबर, इसकी जो एडिशन करेंगे अगर 1200, तो ये भी आ गया नेचुरल नंबर की सेट में, क्योंकि हमें पता है कि एक से स्टार्ट होके इसके ऊपर जितना तक जाएगा सब कुछ हम नेचुरल नंबर की सेट में हमें मिल जाएगा। तो फिर ये जो डिफाइंड था हमारा कंपोजिशन स्टार, ये एन स्टार एक ग्रुपॉइड हो गया यहाँ पर। और एक एग्जांपल लेते हैं जहां पर ये एक ग्रुपॉइड नहीं होगा, कैसे। लेट्स से हमने ले लिया एन स्टार और स्टार डिफाइंड है कुछ ऐसे, डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल्स टू ए माइनस बी। तो यहाँ पर स्टार कुछ ऐसे डिफाइंड है कि ए स्टार बी एक्चुअली होता है ए माइनस बी, जहां पर ए बी है एन का एलिमेंट। तो अब ये बताओ कि एन स्टार, ये जो ग्रुप एन स्टार एक एल्जेब्रिक सिस्टम है, इसे ऐसे डिनोट किया जाता है कि स्टार डिफाइंड है इनके ऊपर। ओके, तो इसका मतलब है कि स्टार डिफाइंड है ये इस सेट का ऊपर, एन सेट के ऊपर। ओके, सो अभी आप कह सकते हो कि एन स्टार एक ग्रुपॉइड है कि नहीं। हम यहां से कह सकते हैं कि एन स्टार ग्रुपॉइड नहीं है। क्यों? क्यों? अगर सोचो ए अगर बड़ा होगा बी से, ज्यादा होगा, सपोज 5 and 3 बिलोंग्स टू एन हमें पता है, देन 5 star 3 इक्वल्स टू 3 star 5 क्या होगा इसका वैल्यू, 3 - 5 इक्वल्स टू -2। अब देखो नेचुरल नंबर की सेट स्टार्ट होता है 1 से, पॉजिटिव +1 से, और उसके नीचे 0 - 1 - 2 ऐसा कोई भी नंबर नेचुरल नंबर की सेट n में नहीं है। तो यहाँ पर जब हमारा वैल्यू 2 आ गया यहाँ पर -2, तो ये वाला डज नॉट बिलोंग्स टू एन। देन इस जो यहाँ पर स्टार कुछ ऐसे डिफाइंड है कि ए स्टार बी इक्वल्स टू ए माइनस बी, तो यहां से हम कह सकते हैं कि एन स्टार एक ग्रुपॉइड भी नहीं है। तो ग्रुप की जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो होता है कि ए स्टार बी, मतलब दो एलिमेंट उस सेट की, उसके लिए ए स्टार बी उस सेट में बिलोंग करे। तो जनरली हम कुछ ऐसे लिखते हैं कि जी स्टार, जहां पर स्टार डिफाइंड है जी के ऊपर। तो ग्रुप होने के लिए पहला क्राइटेरिया होता है, एक्चुअली मेन ग्रुप होने के लिए पहली क्राइटेरिया होता है कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल करे। तो ग्रुपॉइड की क्राइटेरिया, यहां पर हम किसी भी एल्जेब्रिक सिस्टम जी स्टार सपोज, इसको हम ग्रुपॉइड कैसे कहें कि अगर ए बी दो एलिमेंट जी का हुआ, तो अगर ए स्टार बी भी जी का एलिमेंट होता है, कि अगर ए बी जी में जी का एलिमेंट है, ये इम्प्लाई करे कि ए स्टार बी भी जी का एलिमेंट है, तो हम कह सकते हैं कि स्टार इज जी इज क्लोज्ड अंडर स्टार, जी इज क्लोज्ड अंडर
स्टार, या फिर यहाँ पर नॉट भी हो सकता है, छोटा सा ओ जैसे दिखने वाला, ऐसे होता है नॉट, या फिर स्टार, या फिर ऐसे। ये बाइनरी कंपोजिशन कुछ ऐसे आपके बुक में दिया हो सकता है या फिर क्वेश्चन में ऐसे दिया हो सकता है, इसको देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जी इज क्लोज अंडर स्टार, कहाँ, जब अगर ए भी दो जी का एलिमेंट है और ए स्टार बी भी जी का एलिमेंट है, तो हम कह सकते हैं जी इज क्लोज अंडर स्टार, और इसे ही हम कह रहे हैं ग्रुपॉइड। तो यहाँ पर जी स्टार एक ग्रुपॉइड है, इसका मतलब है कि जी इज क्लोज अंडर स्टार। कब लिखेंगे, अगर दो एलिमेंट एक सेट का हुआ और उसकी जो ऑपरेशन ए स्टार बी भी उस सेट का एलिमेंट है। मैंने इनकी एग्जाम्पल से दिखाया है, अभी और भी हम दिखा सकते हैं कि सपोज जेड स्टार, एक जेड स्टार है यहाँ पर दिया हुआ है जेड स्टार, जहाँ पर स्टार कुछ ऐसे डिफाइंड है कि ए भी जेड का एलिमेंट है और ए स्टार बी इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई बी। अब देखो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जेड स्टार एक ग्रुपॉइड नहीं है, क्योंकि अगर हम दो एलिमेंट टू और थ्री ले लेंगे जेड की, तो टू बाई थ्री डज नॉट बिलोंग्स टू जेड, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इंटीजर रहते हैं। टू टू बाई थ्री इसके एक रैशनल वैल्यू आएगा, ये एक ये जेड में लाई नहीं करेगा, मतलब जेड में नहीं होगा, क्योंकि जेड इंटीजर्स की सेट होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जेड इज नॉट क्लोज्ड अंडर स्टार, यहाँ से हम कह सकते हैं जेड इज नॉट क्लोज अंडर स्टार। अब कुछ देख लेते हैं कि ग्रुपॉइड की कुछ प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। सपोज ए बी कोई एक जी नाम का सेट में सेट का दो एलिमेंट है, अगर ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए, ये दोनों ही जी में है और ए स्टार बी का वैल्यू बी स्टार ए से बराबर है, जैसे कि हमने देखा था कि एन प्लस मतलब नेचुरल नंबर की सेट में अगर कोई भी दो एलिमेंट है नेचुरल नंबर की सेट से, ए बी नेचुरल नंबर की दो एलिमेंट है, तो हमें पता है कि ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस है और ये एन में लाई करता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एन प्लस ये एक कॉम्यूटेटिव ग्रुपॉइड है। तो अगर दो एलिमेंट एक सेट की है जी का और ए स्टार बी जी में है, ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी एंड ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार है, देन हम कह सकते हैं कि जी स्टार इज कॉम्यूटेटिव ग्रुपॉइड, कॉम्यूटेटिव ग्रुपॉइड। तो हम एन प्लस को एग्जाम्पल एज एग्जाम्पल ले सकते हैं। और इसके बाद आता है आइडेंटिटी एलिमेंट, और इसकी कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, और ग्रुप की सीरीज तभी चल ही रहा है। तो वीडियो अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, कहीं पर भी अगर आपको डाउट हुआ, नए चैनल में हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।